दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी कि HSRP को हमें कैसे ऑनलाइन बुक करना है, कैसे इसे हमें अपने वाहन पे लगवाना है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगभग हर स्टेट में अनिवार्य हो चुकी है। ये जो नंबर प्लेट है, ये आप सभी को चालान की प्रक्रिया से तो बचाती है, साथ ही में आप सभी के वाहन की सुरक्षा को भी काफ़ी बढ़ा देती है। तो कैसे इसे आप बुक करेंगे, इसका लेटेस्ट प्रोसेस क्या है और कैसे इसे अपने वाहन पर आपको लगवाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को आप सभी को बुक करने के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM, इनकी जो वेबसाइट है SIAM.in पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। हालांकि कुछ स्टेट में अभी भी जो पुराने पोर्टल हैं, बुक माई HSRP, मैक माई HSRP, इन पोर्टल के माध्यम से आपको नंबर प्लेट को बुक करना होता है। मैं सभी स्टेट में जो वेबसाइट है उसका लिंक आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सभी लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो। यहां पर आप सभी को बुक HSRP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर हमें अपना फुल नेम फिल करना है और यहाँ पर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी स्टेट है स्टेट को इस लिस्ट में से चूज कर लेना है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने व्हीकल के जो भी ब्रांड हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें कि जिस भी कंपनी का आपका व्हीकल है, जिस भी ब्रांड की आपकी बाइक है या फिर कार है, यहाँ पर आपको चूज करना है। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट व्हीकल टाइप के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी टू व्हीलर्स के ब्रांड आपको शो हो रहे हैं। अगर आपका फोर व्हीलर है या फिर कोई अदर टाइप का व्हीकल है तो यहाँ पर आप चाहें तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी का जिस भी ब्रांड का व्हीकल है आपको चूज कर लेना है। ऊपर आप देखेंगे यहां पर प्राइस रेंज भी दिखाया गया है कि नंबर प्लेट के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा, जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे 320 रुपए से 380 रुपए के बीच में पेमेंट करना होगा। साथ में कोई इंपोर्टेड बाइक है उसके लिए आपको नंबर प्लेट के लिए 400 से 500 रुपए के बीच में पेमेंट करना होगा। तो यहां पर आप ब्रांड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आपके सामने कई सारे ब्रांड की एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। तो यहां पर आपको अपने मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट करना है, अपने स्टेट को एक बार फिर से सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट योर डीलर के सेक्शन में अब आपको यहां पर अपने डीलर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या शहर में एक से अधिक डीलर्स होंगे तो आप सभी को यहां पर शो हो जाएंगे, जिसमें कि आप सभी को ये जो नंबर प्लेट है यहीं पर जाकर के लगवानी होगी। कब लगेगी, कैसे लगेगी, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। डीलर को सेलेक्ट करते ही आपके सामने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपने व्हीकल का जो भी नंबर है यहाँ पर फिल करना है और जो भी ओनर है उसका नेम यहाँ पर फिल करना है और जो भी RC पर एड्रेस दर्ज है वो एड्रेस आपको इन दोनों बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर सिटी के सेक्शन में आपको अपने शहर का नेम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिस पासवर्ड को आपको यहां पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें कि आपको अपने वाहन का जो चेसिस नंबर है और जो इंजन नंबर है वो आपको यहां पर फिल करना है। तो यहाँ पर ये जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, पूरा ही आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है, जिसमें कि आपका जो वाहन का फ्यूल टाइप है, व्हीकल टाइप है, यहाँ पर ये डिटेल पहले से फिल है। जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है, आपको व्हीकल का जो क्लास है, जो मॉडल नंबर है वो आपको चूज करना है, जिसमें कि इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इस ब्रांड के व्हीकल आते होंगे सारी ही लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर सभी वेरियंट को आपको देखते हुए आपके RC पर जो भी मॉडल नंबर लिखा हुआ है वो मॉडल नंबर आपको यहां पर पिक करना है।
इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आरटीओ की लिस्ट दी गई है जिसमें कि जो भी आपका आरटीओ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में साइड में आप यहाँ पर देखेंगे आपके नंबर प्लेट का प्रीव्यू कैसा रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया, साथ में यहाँ पर आप सभी को कितना रुपया पेमेंट करना होगा इस नंबर प्लेट को पाने के लिए, वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 352 रुपये 82 पैसे का आपको पेमेंट करना है इस नंबर प्लेट को पाने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अमाउंट है एक बार शो होता है, और साथ ही में नीचे की तरफ डेट को चूज करने का ऑप्शन आता है जिसमें कि यहाँ पर जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया है, वाहन का जो भी डीलर आपने सेलेक्ट किया है, उस डीलर के पास में जा करके किस डेट में आप नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं, यहाँ पर कई सारी डेट्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर जो भी रेड कलर की डेट्स दी गई हैं इनको आप चूज नहीं कर सकते हैं, ब्लैक कलर से जो भी डेट्स दिखाई गई उन्हीं को आपको पिक करना है। नीचे की तरफ आई एग्री का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है और मैक पेमेंट के ऑप्शन क्लिक करना है। मैक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाता है जहां पर आप इस नंबर प्लेट को पाने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या भीम यूपीआई के माध्यम से जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहां पर आपको पेमेंट करना है। जैसे कि मैं यहां पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूं तो यूपीआई के टैब पे क्लिक करूंगा और यहां पर आप सभी को अपनी यूपीआई आईडी फिल करना है। फोन में लॉग इन करके प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो यूपीआई आईडी है शो हो जाती है, वही यूपीआई आईडी आप सभी को यहां पर फिल करनी है और आप सभी को पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि आपने जो भी पेमेंट मेथड चूज किया है उस एप्लीकेशन में जाकर के इस पेमेंट को वेरीफाई करना होगा। तो जैसे मैंने गूगल पे को चूज किया है तो गूगल पे में जो ये रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है, मुझे ये पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होते ही ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाता है जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे आपने जो पेमेंट किया है, जो SSRP को बुक किया है उसकी जो स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। आप सभी को यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस स्लिप को आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्लिप को डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो HSRP है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है, साथ में जिस डीलर के पास में आप सभी को अपनी व्हीकल की जो ये नंबर प्लेट है लगवानी है उसकी भी डिटेल इस स्लिप पर दी गई है, साथ में जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है वो भी आप यहां पर देखेंगे, वो अपॉइंटमेंट डेट भी दी गई है। यहां पर हमें इस डेट में जाकर के अपने वाहन पर नंबर प्लेट को लगवाना होगा और डीलर के पास में आप सभी को इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो भुगतान है ये पहले से ही आप सभी लोगों ने कर दिया है, आप सभी को अब वहां पर सेंटर पर कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।